उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक बार फिर पछाड़ते हुए अपनी जीत का परचम लहराया। हालांकि समाजवादी पार्टी अभी भी इन नतीजों को उस रूप में नहीं स्वीकार कर रही है, लेकिन बीजेपी के लिए ये जो नतीजा रहा वो इसीलिए महत्वपूर्ण रहा क्योंकि एक तो लोकसभा चुनावों में जो परफॉर्मेंस रहा था और उसके बाद अगले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले से सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा था। इस बार बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक और पीडीएफ फॉर्मूले को मात दी तो महाराष्ट्र में बागियों पर लगाम कसने में पार्टी सफल रही। उत्तर प्रदेश की विजय जो 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हुई है, ये उत्तर प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को ये 7 कमल भी उस पूरे अभियान के प्रति समर्पित है। जनता जनार्दन ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन का लूट और झूठ की जो पॉलिटिक्स है अब इसके अंत की उद्घोषणा भी यह चुनाव है। 37 सीटों पर जीत हासिल की, तब लगा कि अब बीजेपी के लिए प्रदेश की राजनीति आसान नहीं होने वाली है, लेकिन महज 6 महीने बाद हुए उपचुनावों में ये फॉर्मूला फ्लॉप साबित हुआ। एसपी ने पीडीए के फॉर्मूले पर चलते हुए 9 सीटों पर उम्मीदवारों को टिकट दिया, उनमें अधिकांश मुस्लिम समुदाय के थे। कानपुर के सीसामऊ सीट से नसीम सोलंकी, कुंदरकी से हाजी रिजवान, मीरापुर से सुम्बुल राणा और फूलपुर से मुज्तबा सिद्दीकी। टिकट बंटवारा समाज के एक खास हिस्से तक सीमित रहा और इससे पार्टी को व्यापक समर्थन नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यूपी में 9 सीटों में से 6 सीटों पर दलित और ओबीसी उम्मीदवार उतारे, जबकि 3 सीटों पर ब्राह्मण और ठाकुर उम्मीदवारों को टिकट दिया। बीजेपी ने रणनीति में ओबीसी नेताओं को प्रमुखता दी और सहयोगी दलों जैसे निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को साथ रखा। इस टिकट बंटवारे से बीजेपी का चुनावी समीकरण मजबूत हुआ। कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने टिकट बंटवारे और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए न सिर्फ समाजवादी पार्टी के वोट काटे बल्कि खुद के वोट बैंक को भी एकजुट किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने वही रणनीति अपनाई जो पहले अपनाई थी, लेकिन इस बार उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उधर महाराष्ट्र में टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी और गठबंधन के सहयोगियों को कई सीटों पर बागियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। बीजेपी ने बागी नेताओं को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। जिन सीटों पर बीजेपी के लिए बागी परेशानी बन सकते थे उन पर पार्टी ने विशेष रूप से ध्यान दिया। पीयूष गोयल और विनोद तावड़े जैसे पार्टी के बड़े नेताओं को बागी नेताओं की मान मनोबल के लिए लगाया गया। इसका फायदा भी हुआ, कई सारे बागी जो हार जीत के बीच खड़े थे उन्होंने पार्टी के पक्ष में बैठने का फैसला लिया।